जा रहा है, फोटो वीडियो कर लिया। इसका अंदर में गाड़ी रोकने के अलाउ नहीं, रात में आया हूँ, दिन में इतना अच्छा नहीं लगता है, लाइट नहीं चला रहता ना, रात से सब बंद रहता है, उधर से गाड़ी आ रहा है, मेरा आवाज़ तो बिल्कुल सुना नहीं दे रहा आप लोगों को। फिर से आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एम ब्लॉग्स 21 में, और आज मैं फिर से जा रहा हूँ, कहाँ पता आपको, मिजोरम चंपाई। तो बोले नहीं मेरा साथ में, एक साल बाद फिर जा रहा है मिजोरम चंपाई, और देखते हैं। देखिए मेरा गाड़ी लोड हो गया टावर का सामान, पूरा रास्ता तिरवाल बांध के पूरा रेडी हो गया, रास्ता तार पर तिरवाल नहीं मैंने बारा पट्टा उट्टा लगा, रास्ता वास्ता लगा रेडी, अब निकलते मिलते आप लोग रास्ते में, चलिए और मिजोरम का जर्नी दिखाते हैं हम लोग कैसे रहता है मेरा, बनी रहिएगा मेरा साथ में। देखिए गुवाहाटी का जाम 31 दिसंबर का देख रहे हैं जाम। देखिए हम लोग लगा बाईपास पहुंचा है, और मेरा साथ में देखिए कौन है, गुल्लू मामू और राखी बोल। अभी नौगा बाईपास पहुंचे हैं, अभी देखते हैं रात रात पर गाड़ी चलाने का इरादा जा पाते हैं कि नहीं, चलिए यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों अभी आके मैं लौंका पहुंचा हूँ, अभी रात का बज रहे हैं 9, और यहाँ से जो सामने साइन बोर्ड देखते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर है सिलचर, और देख के आप लोगों को मैं बताता हूँ। और ये साइन बोर्ड में आपका लंका सात किलोमीटर, लामडिंग है 36 किलोमीटर, और सिलचर है 200 कुछ किलोमीटर। तो बाकी यहाँ में तो पहुँच गए, और यहाँ से देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ लंका जाने का रास्ता। यहाँ से दो फुल लाइन सीधा आप जाइएगा तो सिलचर, और यहाँ से अगर दाहिना जाइएगा तो लंका टाउन वाला रास्ता है। तो चलिए नहीं कैसा लगा बताइए, कैसे बोले तो ये सुरंग है, ये पराप पूरा 1.5 किलोमीटर का है, देख रहे हैं मामू कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। ये हम लोग का मामू छोटे मरानी मामू, छोटे मरानी मामू, ये देखिए। और अपना गाड़ी वो थोड़ा दूर में है, गाड़ी भी लॉक नहीं किया हुआ है, देखिए इधर डम्पर वम्पर है। जाते इसके अंदर में थोड़ा फोटो वोटो शूट करते हैं, क्योंकि मैं पिछला साल आया था, फिर इस साल आया हूँ, यहाँ में एक साल बाद बात देखने को मिलता है, ये एक साल बाद पक्का, देखिए देख रहे हैं। अरे इसके अंदर में गाड़ी जाने से आवाज़ आप लोग को ता ही रहा होगा, गाड़ी जाने से कैसे आवाज़ आता है देख रहे हैं, पूरा लाइट लगा के। ये हम लोग का सोते मरानी मामू, यो अभी फोटो वोटो शूट करेगा, देखिए अंदर में सुनिए आवाज़, सुनिए आवाज़ सुन रहे हम लोग का मामू, देख रहे गाड़ी जा रहा है आवाज़ सुनिए, गाड़ी जा रहा आवाज़ सुनिएगा, बाकी एक चीज़ है ना रात में और ज़्यादा मज़ा है, इसलिए मैं रात में आया हूँ, दिन में इतना अच्छा नहीं लगता है, लाइट नहीं तो चला रहता ना, रात से सब बंद रहता है, उधर से गाड़ी आ रहा है, मेरा आवाज़ तो बिल्कुल सुना नहीं दे रहा आप लोगों को, बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, ठीक है उधर से गाड़ी आ रहा है आवाज़ सुनिए, अभी जा रहा है, फोटो वीडियो कर लिया। इसका अंदर में गाड़ी रोकने के अलाउ नहीं है, नहीं तो अगर फाइन मार देगा 500 रुपया, बहुत लंबा है ऐसा 1 किलोमीटर का ही है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, ये हाफलोंग रोड में है, ठीक है आप सिलचर जाइएगा, नोगा होकर तो आपको मिलेगा ये। देखिए कुकर में भात चढ़ गया है, और ये मछली है, दो आइटम का मछली है, बाकी इधर में खाना भी बनेगा। और हम लोग का मामू, ओ सत्य मरानी मामू, मामू हम लोग का पूरा वेटिंग है, देखिएगा ये देखिए, इसको जब भी देखिए फ़ोन उसका कान में रहेगा, देखिए मैसेज दिखा दे थोड़ा जूम करके, सोते महारानी ये देखिए ऊपर में कुछ है, इसको हाथ लगा लिया है। उधर से मैं आया हूँ, तो आने के टाइम में वीडियो बनाया है, और अभी उधर में थोड़ा आया हूँ थोड़ा देख घूमने के लिए, क्योंकि अच्छा लग रहा है, जाने का दिल नहीं कर रहा यहाँ से, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना हमको, क्योंकि गाड़ी मेरा लोड है मिजोरम का, और मैं अभी यहाँ से खाना ना बना के खा के निकल जाऊँगा। और बाकी उधर से देखिए दो आदमी आ रहा है, वो देखिए थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, और चलिए हम लोग से मिलते हैं आगे। उधर से देखिए गाड़ी आ रहा है पूरा हॉर्न मारते हुए, तो चलता हूँ मैं, फोटो शोटो शूट हो गया है, बाकी ये शोरूम देख के मज़ा आया, अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग आना पड़ेगा हाफलोंग, ये हाफलोंग में नहीं मतलब हाफलोंग का बाईपास है, ये फोर लाइन है नौगांव से जाने वाला सीधा आपका सिलचर,
और अभी तो रात है, मैं इधर खाना वाना बना के निकल जाते हैं। खाना हो गया, ये सोते मेरा नहीं मामू। मामू क्या कर रहे हो? आग का बता है ये। तो खाना हो गया और इसमें मछली का चटनी देख रहे हैं और बाकी उधर में है, तो खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ना कितना है खाना खा लिया, हाथ पूरा ठंडा हो गया, आग सेक रहा है। मामू ठंडा लगी से? बहुत ही ठंडा लगी से, क्या बोरे ठंडा लगी से? बहुत ही ठंडा, देखिए ना पूरा ठंडा है। बोला 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 दोस्तों, पहुंच गया हूं मैं, देख रहे हैं आज तो यहाँ से 185 सिलचर 4 और मणिपुर 270 किलोमीटर, और यहाँ से सिलचर 4 किलोमीटर है हम लोग बाईपास। तो ये देखिए यहाँ से अगर दाहिना जाएंगे तो जाएंगे एक बार सिलचर, अगर बाया जाइएगा तो जाएगा मिजोरम। गाना बज रहा है लेकिन क्या करें, गाना बंद करने का समय नहीं है। तो मैं सुबह सुबह जब सिलचर टाउन पार कर रहा था, मेरे को एक चीज़ दिखाई दी, देख रहे हैं आंटी, ये आंटी सुबह सुबह झाड़ू लगा रहा है। तो मैं आंटी को देखे थोड़ा मेरे को खराब लगा, क्यों देखे सुबह अभी साढ़े चार हो रहा है, साढ़े चार पाँच बज रहा है, तो इतना समय में ये सुबह इससे भी पहले आया होगा, लगभग साढ़े तीन बजे करीब, साढ़े तीन चार बजे करीब आया होगा, आके झाड़ू लगा रहा है। तो देखिए इनका थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए, ये है तब भी हमारा सिटी शहर सफा है, अगर ये अगर नहीं होंगे तो हमारा सिटी शहर में हम रहने नहीं सकेंगे, इतना पॉल्यूशन हो जाएगा, इतना गंदा हो जाएगा, चारों तरफ बदबू है, हर चीज़ होगा। तो इनको थोड़ा सा आप लोग सम्मान कीजिए, कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सम्मान कीजिए उनको, बस यही काफ़ी उनके लिए। अभी नींद लग रहा है, रात भर नहीं सोया तो अभी जा रहा है सोने, और ये मेरा सोते मेरा नहीं मामू पूरा सो रहा है। तो अभी आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुबह हुआ इस वजह से गुड मॉर्निंग, और मैं सो रहा हूँ इस वजह से गुड नाइट। तो सोते हैं फिर उठ के मिलते हैं आप लोग से। बागा बाजार देखिए, बागा बाजार। तो अभी आगे हम लोग पहुँचा वारंटी पुलिस चेक पोस्ट फास्ट वाला। मामू सब एंट्री करा के आओ, मामू नहीं करा के बोल गया है, तो आप लोग मैं दिखाता हूँ वारंटी वाला। ये देख रहे हैं ये वारंटी गेट है, ये हमें एक स्लिप देता है, स्लिप आपको रखना पड़ेगा, आने के टाइम लाएगा, आने के टाइम पैसे से नहीं लगता है। इधर में एक हेलीकॉप्टर है देखिएगा ऊपर में, ये हेलीकॉप्टर, इसी से अभी गुवाहाटी जाना है मेरे को, गाड़ी इस पर लाद देंगे चले जाएंगे गुवाहाटी। ओ ऊपर में पेट्रोल पंप कर्मचारी बन गया, तेल डाल रहा हूँ, देख रहे हैं मेरे गाड़ी को लगता है मैं कोई दुबई का शेख हूँ, साला इतना ना तेल पीता है, फुल टंकी तेल पी गया अभी तक, कॉपी मार दी उसका डायलॉग। मैं तेल उल भरा के मैं एक प्रॉब्लम में गिर गया था, क्या हुआ था कि मेरा क्रेडिट कार्ड का जो ना पिन भूल गया हूँ मैं, पिन तीन बार मार दे, कार्ड भी लॉक हो गया, अभी अकाउंट में भी पैसा नहीं, जो पैसा कार्ड में है। तो अभी इन सब प्रॉब्लम में गिर गया था, अब पंप वाला थोड़ा बात थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो, फिर मालिक को फ़ोन किया, मालिक से पैसा लेके पैसा दिया, अभी पूरा मतलब प्रेशर में गिर गया था अभी यह मैं तो क्या बोलेगा, लेकिन आदमी अच्छा था, ज़्यादा कुछ नहीं बोला हमको, सिर्फ यही बोला जल्दी करो हमारा छुट्टी होने वाला है, मेरा DTA भी एक्सचेंज होने वाला है। तो क्या बोलेगा, तेल भरा लिया उसके बाद में फंस गया, तो अभी हो गया, अभी निकलते, भूख लगा बहुत ज़ोर से, खाना भी नहीं खाए हैं, सुबह सिर्फ चाय पिए हैं, अभी लगभग 2 बजने वाला है, जाते हैं खाना बना के खाते हैं। और वो साथ वाला गाड़ी भी आया हुआ है, मैं तो राकेब उसमें बैठा हुआ है, मैं और मामू गुल्लू मामू इसमें, और यहाँ से तो खाना बनाने का जगह नहीं है कहीं पर भी, पूरा गाड़ी लगा हुआ है टैंकर, तो आगे जाए खाना बनाते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, बाकी इस ब्लॉग का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरा चैनल में फॉलो करते रहिए आप लोग, और इसका दूसरा पार्ट आएगा, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, और ये ब्लॉग यहीं तक ख़त्म होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, थोड़ा देखिएगा और थोड़ा प्यार दीजिए आप लोग को, बहुत सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, जितना जल्दी हो सके तो 1000 बना दीजिए मेरा चैनल में, और फेसबुक पेज में फॉलो कर लीजिए इसी नाम से है, और यूट्यूब और फेसबुक दोनों एक ही नाम से है, जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए और फॉलो कीजिए।